प्रधानमंत्री तो पैरों की धूड़ वर्गा भी है नहीं गा। मैं बेनती करना चाहना अपनी भैन, तुसी वड्डे हो साडी भैन ही समझ लो, मैं अनीता अंबानी जी नूं बेनती करना चाहना गीत दे थ्रू भी तुसी मोहरे आण के साडा हल कर दिओ, असी अपने विचों मोदी नाम का विचोला कढ़ना चाहुंदे आ। मसला ताडा साडा आ, ताडे पैसे लगे आ, साडियां नसलां लगियां, आपां सिद्धे गल करदे आ, आपां इहनां तों लैणा की आ। इह तां बेवकूफ बणाउंदे आ, तुहानूं कुछ कही जांदे आ, सानूं कुछ कही जांदे आ, इह जिहड़ा जो कुछ कहिंदे उह तां करदे तां है ही नहीं। बेवकूफ तुहानूं बणाता, बेवकूफ इहनां सानूं बणाता। सो हिंदी विच गीत लिखिया उहनां तक पहुंच जावे तां अपने मसले का हल हो सकदा। अनीता अंबानी गौतम अडानी हमारे पास आ जाए, अनीता अंबानी गौतम अडानी हमारे पास आ जाए, दोनों पक्षों की दिक्कत को बैठ के सुलझा जाए, दोनों पक्षों की दिक्कत को बैठ के सुलझा जाए, बात किनारे लगने नहीं देते तुम सरकारी दलालो, बात किनारे लगने नहीं देते तुम सरकारी दलालो, मसले को अगर सुलझाना है मोदी को बाहर निकालो, मसले को अगर सुलझाना है मोदी को बाहर निकालो। मोदी तो पैरों की धूड़ वर्गा भी है नहीं, गल मोदी मोड़ दे, मोड़ ही नहीं सकता कदे, उहदा घर वाला नहीं मोड़ सकता, अपने देश का सब तो अमीर बंदा घर चोरी चलती है। समझदार बजुर्ग हमारे अपना पक्ष बतला देंगे, समझदार बजुर्ग हमारे अपना पक्ष बतला देंगे, नुकसान ना दोनों साइड में हो ऐसा राह दिखला देंगे, नुकसान ना दोनों साइड में हो ऐसा राह दिखला देंगे, सब खुशी खुशी परिवारों में जाओ अपना घर संभालो, मसले को अगर सुलझाना है मोदी को बाहर निकालो, मसले को अगर सुलझाना है मोदी को बाहर निकालो। साडे बचोलीए खत्म करने सी, असी भी अपने बचोलीए खत्म करने। जे तो सबको बैठे बैठे बेवकूफ बनाता रहता है, जे तो सबको बैठे बैठे बेवकूफ बनाता रहता है, करता कुछ और है मुंह से कुछ और कहता है, करता कुछ और है मुंह से कुछ और कहता है, इकट्ठे होके भाइयों बहनों मेरे देश को बचा लो। हिंदी थोड़ा हाथ टैट आ। इकट्ठे होके भाइयों बहनों मेरे देश को बचा लो, मसले को अगर सुलझाना है मोदी को बाहर निकालो, मसले को अगर सुलझाना है मोदी को बाहर निकालो। मोंटी मान ने गीत लिखा है लेके नाम भगवान का, मोंटी मान ने गीत लिखा है लेके नाम भगवान का, फिर कैसे नहीं हो पाएगा भला इस इंसान का, फिर कैसे नहीं हो पाएगा भला इस इंसान का। साडियां भी लाछां जान डियां ना तां करके, फिर कैसे नहीं हो पाएगा भला इस इंसान का, व्यापार तो हमसे करोगे हमसे सीधा हाथ मिला लो, मसले को अगर सुलझाना है मोदी को बाहर निकालो, मोदी को बाहर निकालो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। बहुत बहुत धन्यवाद वीर मोंटी मान, वो अपने गीतों के जरिए इस किसानी के दर्द नूं रखदे आ। हुण मैं बेनती करूँगा डॉक्टर सतनाम सिंह जी अजनाला सूबा प्रधान जमहूरी किसान सभा पंजाब, स्टेज पर बैठे आगू साहबान, अज कोई तीन महीने टुकन वाले आ थले किसान, मेरे भैनों भराओ जो दो
ये जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया 27 अक्टूबर 2019 ने दिल्ली दे विच रकाबगंज गुरुद्वारे दे विच उन्हें जिथे किसानी दीआं मंगां नूं पूरा कराउण लई रोजाना आपां जोर लगाउने आं उत्थे इक अहद कीता जिहड़ा कि असीं इस समें दौरान अपने जिहड़े वीर योधे होए आ अपने शहीदी साहिबजादियां दीआं गुरु गोबिंद सिंह दे साहिबजादियां दी शहीदी दिहाड़े बाबा बंदा सिंह बहादुर दा दिहाड़ा इसे तरह आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस दा दिहाड़ा अनेकां दिहाड़े मनाए सो उस लड़ी दे विच अज असीं सर छोटू राम जिहदा असली नाम राम रिछपाल सी घर च छोटा करके छोटू छोटू बन गया। बाकी गल्लां बहुत कह गए हरियाणे वाले कह गए मैं दोहर नहीं पाउणा चाहुंदा। मैं अज जिहड़ा साडा संयुक्त मोर्चा उहदे सामणे सर छोटू राम नूं खड़ा करना चाहुंदा ऐं तां करके उहनें जिहड़ा प्रोग्राम बनाया जदों यूनियनिस्ट पार्टी जिहनूं दूसरे समय नावां दे विच जिमीदारा लीग कहिंदे सन जिमीदारा लीग बनाई उहदे जिहड़े पंज नुकाती प्रोग्राम बनाए उहनें ये अज दा जिहड़ा संयुक्त मोर्चा मेरे साथी बैठे उहनां दे नाल वी मैं सांझी करना चाहुंदा उहो ही पंज नुकाती प्रोग्राम जिहड़ा असीं लै के आ रहे हां। पहला की सीगा भी शाहूकारां कोलों जिहड़ा करजा वा शाहूकारां दी चुंगल विच्चों लोकां नूं कढ़णा अज उह शाहूकार बैंक बन गए आ सोसाइटियां बन गईआं होर करजे बन गए आ बिल्कुल इन बिन उहने उस वेले शाहूकारां दी चुंगल चों लोकां नूं कढ़णा अते सरकार दीआं ज्यादतीआं तो लोकां नूं निजात पाउणा जिहड़ा अज मोदी रोज ही आपां प्रसंग करदे आ। दूसरा उहदा प्रोग्राम की सीगा ये बड़ा समझण वाली गल आ भी असीं जिहड़ी लड़ाई करनी आ वो आर्थिक मंगां दे उत्ते करनी आर्थिक मंगां दे उत्ते ते तीसरा उहदा की जोड़िया भी धार्मिक मूलवाद जिहड़ा जिहड़ियां धार्मिक मूलवाद दीआं संस्थावां ने भावनावां ने उहदे विरुद्ध प्रचार करना गल तुहाडे उत्ते बड़ी ढुकदी आ मैं दो चार मिनट साफ करनी चाहुंदा। अज तुहाडे सामणे धार्मिक मूलवादी ते कट्टरपंथी उहनां दे सामणे आर्थिक प्रोग्राम नहीं गा। अज साडे संयुक्त किसान मोर्चे नूं सारे भारत भर विच खास करके उत्तरी भारत दे विच इहनूं उहनां लीहां ते स्थापित करना चाहुंदे जिहड़ियां लीहां ते उहने अंग्रेज़ां ने साडे विच वंडियां पाईआं सी सानूं पाड़िआ सी। मेरी गल नूं समझदे उहनां दीआं चालां तों बचणा इह आ बहुत वड्डी गल। एवें शरधांजली दे के चले जाण दा कोई फायदा नहीं ये उहनूं सच्ची शरधांजलि आ। इहदे नाल ही उहने उस वेले जिहड़ी लीग बनाई जात पात तों उपर उठ के धर्मां तों उपर उठ के मुसलमानां तों उपर उठ के हिंदुआं तों सिखां तों उपर उठ के बनाई सी सारे वर्गां दे लोक इहदे विच सन। नाल दी नाल की बनाया भी असीं इक फंड स्थापित करना जिहदे विच्चों किसानां दे बच्चिआं नूं वजीफे जिहदे विच्चों सहकारी मंडीकरण बनाउणा इसे अधीन उहनें 1949 दे विच सर छोटू राम ने पहला मंडीकरण एक्ट बनाया दुनिया 217 मुल्कां दी बन गई आ। उस वेले दुनिया पौने 200 मुल्कां दी सीगी किहड़ा एक्ट बनाया वो अज भी सानूं याद करदा। सो इस करके जे उस वेले सर छोटू राम ने जिहड़ा मंडीकरण दा एक्ट बनाया उहो एक्ट 1961 च बनिया
ਉਹ ਐਕਟ 1965 ਚ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ 1939-40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਰਮਨ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਾਈਸਰਾਏ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੋਹਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 9 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਰਦੇ ਨੋਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ 2250 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਕਣਕ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿਓ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ 9 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਜਬਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਣ ਲੈ ਕੇ 6-7 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵਾਈਸਰਾਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸ ਗਿਆ 11 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਵੱਜਾ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੱਕੜੀਆਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ 11 × 22 ਅਤੇ 6×28 30 ਰੁਪਈਏ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਟੇਜ 71 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਓਏ ਸਾਥੀਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ 71 ਖਲੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 11 ਰੁਪਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੀਕ ਮਾਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੇ ਘੁੰਤਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲੱਭੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛਡਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ DC ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਉਹ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨੀ 'ਚ ਹਵੇਲੀ ਲਈ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲੀਕਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਪਹਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਟਾਮ ਸੀ ਦੂਜੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੱਗ ਜਾ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 2014 ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਝੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 3 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ 3 ਗੁਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ 3 ਗੁਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਖੜੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਿੰਨਾ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
संयुक्त मोर्चे नू खीर च मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, साथी मेरे बैठे पिछे, वो इन्हां कट्टर मूलवादियां तो धार्मिक प्रस्तां कोलों अज सानू बचा लो, अज बचा लो, मोर्चे नू बचाओ। अगे 26 जनवरी ने बड़ा नुकसान कर दिता। सो आने वाले समय दे विच अपना साफ करके जे उस वेले 4.25 लाख किसानां दा करजा माफ होया सी, अज साढ़े सिर किन्ना करजा, एको मिनट में लैना, 14.5 लाख करोड़ भारत दे लोकां सिर करजा, पंजाब दा किन्ना, 2 लाख करोड़। इहनूं असीं अज मंग करदे हां, आयत करदे हां, भावें इहनां साडियां पंजां में कोई मंगां विच नहीं हैगा, पर लोको जंकारा मारो, साडा किसानां मजदूरां सिर करजा साडा करके नहीं चढ़ गया, साडे व्याह करके नहीं चढ़ गया, साडे ट्रैक्टर लैण करके नहीं चढ़ गया, सानू 1970-72 तो लै के भाव ही नहीं ठीक मिले। आ पिछलियां 8-7 सालां च 15 लाख करोड़ सानू फसलां दा भाव घट मिलिया, मेरी समझ लगी, ओहो सानू दे दिओ। सो इस करके अज जोर ना क्यों सर छोटू राम नू श्रद्धांजलि की आ, सरकार दीयां नीतियां ना किसानां मजदूरां सिर चढ़िया करजा रद्द करो। मैं कहना किसानां मजदूरां सिर चढ़िया करजा रद्द करो, किसानां मजदूरां सिर चढ़िया करजा रद्द करो। मैं इन्हां शब्दां दे नाल सर छोटू राम साडे बजुर्गां दे हमसाली वी रहे, उस बन्ने नहीं मैं जांदा, कट्टियां जेलां भी कट्टियां, उन्हां नू मैं अपने परिवार वल्लों भी, अपने संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों भी, अपनी जमहूरी किसान सभा वल्लों श्रद्धा दे फुल भेंट करदा, आयद लैना ओ सर छोटू राम। आपां जिन्ना चिर सवास आ असीं लड़ांगे, ते लड़के की करांगे, जित्तांगे। मैं कहना असीं सबर नाल लड़ांगे, तुसीं की कहना, असीं सबर नाल लड़ांगे, असीं सबर नाल लड़ांगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला सूबा प्रधान। देखो पंजाब होवे जां हरियाणा, है तो असी सारे भाई भाई, पर समय की घाट कारण डॉक्टर साहब थोड़ा देखना पैंदा है, क्योंकि बुलारे अज बहुत ज़्यादा आ। मैं सारे अपने किसान आगुआं नूं बेनती करनी चाहुंदा कि समय की मर्यादा दे विच रह के असी अपने विचार दईए। हुण मैं बेनती करांगा हवा सिंह सागवान, सागवान खाप पंचायत के प्रधान आ हरियाणा तो, हवा सिंह सागवान सागवान खाप पंचायत तो हरियाणा तो हाँ, उन्होंने बेनती करदा कि 5-7 मिनट लई स्टेज पर आउण। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं सीआरपीएफ में कमांडेंट साहब, सीआरपीएफ में 35 साल नौकरी की है और उसमें 7 साल पंजाब में रहा हूं मैं, तो पंजाब को अच्छी तरह जानता हूं और पहले पंजाब में ही पैदा हुए थे। आज बसंत पंचमी है और ये किसानों का त्योहार है, मतलब हमारा त्योहार है। इस दिन को छोटू राम का जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं। वैसे उनका जन्मदिन 24 नवंबर का है, लेकिन लोग जब उनको जाते थे मुबारकबाद देने तो वो बोलते थे कि मेरा जन्मदिन बसंत पंचमी को मनाओ। था बोलने में कोई गलती हो माफ करना, मेरा लकवा मारा है, मुंह कई दिन हो गए। तो उसके बाद ये बसंत पंचमी को मनाया जाता है उनका जन्मदिन, और उन्होंने क्या काम किए
हमारे जो पहले वक्ता है उन्होंने काफी बताया है। मैं चाहता हूं अभी जो हालात हैं उसके बारे में बात करें। पहली बात तो यह है कि इस सरकार को हमने समझना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं, याद करो, चौधरी छोटराम के टाइम में कांग्रेस जो थी वो शहरी पार्टी थी, गांव में जमींदारा पार्टी थी जो हमारी पार्टी थी, और छोटराम ने उस कांग्रेस को अच्छी तरह पानी पिला दिया। हरियाणी स्टाइल में बोलते हैं, अच्छी तरह पानी पिला दिया कांग्रेस को, और 20 साल तक उन्होंने राज किया पंजाब पर, ज्वाइंट पंजाब पर, पूरा एक पंजाब था, पाकिस्तान का पंजाब, हमारा आज का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल भी था उसी में। 20 साल तक उस पार्टी ने राज किया और इनको चने चबा दिए कांग्रेसियों को, क्यों? उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ थी। आज कांग्रेस हमारे साथ है। मैं किसी पार्टी का चेला नहीं हूं, आज कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, लेकिन वो ये तो बताएं कि 60 साल के उनके राज में कौन सा उन्होंने कानून बनाया हमारे लिए। 50-60 साल राज किया है, उसमें एक भी कानून बताते वो कि ये बनाया किसानों के लिए, वो स्वामीनाथन ने किया था सर्वे, रिपोर्ट बनाई कमीशन ने, उसको भी लागू नहीं किया इन लोगों। अभी हमारे साथ चल रहे कि चारों तरफ से मुंह के ऊपर पड़ी है, जब ये हमारे साथ आए कांग्रेसी। अब रही बात बीजेपी, बीजेपी क्या है समझ लो, बीजेपी चौधरी छोटराम के टाइम में ये सारे सूदखोर थे, इनके बाप दादे सूदखोर थे, और हम जब इनसे सूद लेते थे ये ब्याज लगाते थे, हम जब ब्याज वगैरह वापस नहीं दे पाते थे ये हमारी जमीन को हड़पते थे, खेती नहीं करते थे। ज्यादा उनकी औलाद आज बॉम्बे में बैठी है, बॉम्बे, उनके 5-5 मंजिल के सिंध में और दूसरी जगह में उनकी बड़ी बड़ी हेलवेरियां हैं उन्हीं सूदखोरों की। अब वो आदमी आ गए इस सरकार में, मैं उदाहरण दूंगा आपको कि जब ये सरकार आई तो हम अफसर रिटायर हुए, इनकम टैक्स देना पड़ता है, हम 31 मार्च को इनकम टैक्स भरते थे 10,000-20,000 जो भी आता था। जब से ये सरकार आई सूदखोर, ये पहले ही काट लेते हैं सूद उसको, इनकम टैक्स को। हमारी जो पेंशन है जो जानते होंगे और भी होंगे यहां बहुत आदमी, के पहले ही काट लेते हैं लोग या पार्टी या सरकार। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सूदखोरी की पंजाब में, उनमें से उनके बाप दादू ने, और वो काम हमारे साथ इन्होंने शुरू कर दिया। चौधरी छोटराम ने कानून बनवाए 1935 में, कई कानून बनाए, उनको बदला इन्होंने, और ये 3 कानून बनाए हैं, ये वो है कानून समानती, समानतावादी कानून है ये। ये 3 कानून ऐसे हैं जिनके जरिए जो पहले चलते थे 1920 से पहले, वही जो है कानून लागू कर रहे हैं पुराने, और उसमें हमारी जमीन आस्ते आस्ते जाएगी, बड़े तरीके से जाएगी। ये मत समझना ये जानते हैं कि जमीन के लिए हम आपस में भाई को मार देते हैं, ये जानते हैं, लेकिन बड़े तरीके से हमारे से जमीन खोसेंगे, छीनेंगे, और हमको मालूम नहीं पड़ेगा, हमारी जो औलाद है बच्चे हैं उनको मालूम पड़ेगा क्या हो गया। अभी दुनिया भर के तरक देते हैं सरकार, बोलो आपने सुना होगा टीवी के ऊपर भी, बोला ये कानून जो है ऑप्शनल है, मर्जी के हैं, मानो ना मानो, ऐसा कोई कानून नहीं होता जो मर्जी का होता है। सरकार कानून इसीलिए बनाती है कि मानना पड़ता है, मानना चाहिए, लेकिन हमारे फेवर में नहीं है इसलिए हम इसको मानना नहीं चाहते। हमारे कुछ आदमी जो नेता है किसानों के, वो समझदार हैं,
उन्होंने अच्छी तरह से इसको पढ़ाया और जाना अभी हमारे सामने ले आए, नहीं तो हम कुछ नहीं जानते। हम जानते नहीं है जब तक हमको दूसरा नहीं बताता है। और मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पंजाब के जो किसान हैं वो वाकई में हमसे आगे हैं और हरियाणा वालों को उन्होंने बताया। 500 किलोमीटर आकर के यहां देखो हमको जगाया है। हम सो रहे थे, हम सो क्यों रहे थे कि हमको ये मिट्टी वो तो है नींद की गोली, कांग्रेस हो चाहे वो क्या लोग कई पार्टियां बढ़नी है और ये तो है ही, ये सारे जो है हमको नींद की गोली दे रखी थी। अभी थोड़ा सा जागे हम और आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं एक बात करना चाहूंगा लास्ट में कि 26 जनवरी को हमारे पास मौका था, 26 जनवरी को हम इनको सिखा देते कि आंदोलन क्या होता है, लेकिन हमारे नेता इनके ऊपर विश्वास कर लिया, इन लोगों पर विश्वास कर लिया कि हमारी सुनेंगे, हम रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, परेड निकालेंगे और ये हमारी बात सुनेंगे। लाखों ट्रैक्टर बनवा लिए, क्यों? हम इन लोगों को समझ नहीं पाए। मैं बताइए, उन्हीं लोगों की संतान है जिन्होंने हमारे पूर्वजों को भिखारी बना दिया था, उन्हीं की संतान है ये लोग। बड़ाई क्या करेंगे कि भाई सिखों तो ये किया, हिंदुओं को बचाया, इतनी बड़ाई करते हैं, क्या कभी सोचा कि सिख 500 किलोमीटर से यहां करके और ये मांग कर रहे हैं, बच्चे आए हुए हैं, औरतें हैं, सर्दी में, अब तो नहीं रही है सर्दी, दिसंबर में बड़ी सर्दी थी, हमारा घर से निकलने दिल नहीं करता था, हिम्मत नहीं पड़ती थी, और उसके बारे में क्या दिए, क्या क्या बोला इन्होंने, क्या बोला आंदोलनजीवी, आंदोलनजीवी का मतलब परजीवी, परजीवी का मतलब होता है दूसरे के ऊपर खाता है दूसरे का। बताओ, आज तक किसी ने भी हमारे साथ अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन परजीवी नहीं बोला किसी क्या हम दूसरा खाने वाले हैं। हमारी जो बेइज्जती जो करनी थी सरकार ने की है, अभी आगे जो हम काम करेंगे हमारे नेता किसान नेता, वो बड़ा सोच के कार्रवाई करना, क्योंकि मैं तो सीआरपी में आपको बता दिया 36 साल, और मेरा काम था ये आंदोलन देखना, लठ बजाना, गोली चलानी, यही काम करते थे हम, बहुत नजदीक से देखा है। रिटायर होने के बाद भी 7 साल में लगा रहा जाट आरक्षण के लिए, बहुत आंदोलन किए, लेकिन मैं ये बता दूं कोई किसी पार्टी का नेताओं पर कभी विश्वास मत करना, बहुत बड़ी धोखे पार्टी धोखेबाज लोग हैं ये, चाहे कोई मेरा चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, इनकी शिक्षा ऐसी है, विश्वास करने लायक नहीं होते लोग। मैं बताऊंगा, बहुत बात है मेरे पास इस बात को प्रूव करने के लिए, लेकिन वो बताना नहीं चाहता मैं अभी। अब मैं भाइयों से, मेरे किसान नेताओं से अपील करता हूं कि जो रेल लोग ये जो भी है, ये बड़ा प्लानिंग करो और फिर पक्के हो जाओ उस पर कि हमने ये करना है, इसके बदले में हमको जान देनी पड़ेगी तो भी देंगे, हटना नहीं पीछे, पीछे हट गया मर गए, पीछे हटने से कभी हमारे पर विश्वास नहीं करें, ना हमसे डरेंगे, अभी भी नहीं डरते, क्यों जानते हैं कि यहां पड़े 2-4 महीना 6 महीना पढ़ के वापस निकल जाएंगे, ये सोच रही है सरकार, बिल्कुल दया नहीं है इस सरकार को, दया नाम की कोई चीज नहीं है। तो इसलिए जो प्लानिंग करते हो, जो भी लोग को जो भी करते हो, बड़ा ठोस तरीके करना, सोच विचार करके करना, सफलता जरूर मिलती है इरादों के ऊपर, बाकी जो है इन लोगों को एहसास नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। मोदी साहब अभी 7 साल से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक मिनट और बोलूंगा बस, प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे पहले सीएम थे वो गुजरात के, उससे पहले हिंदू धर्म के प्रचारक थे, यही बेड़ा होगा आई बी का आदमी, नोट कर लेना भाई, वो हिंदू धर्म का प्रचारक था मोदी साहब, हिंदू धर्म का प्रचार करता था, और 95 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है दुनिया में, पता नहीं आप लोगों मेरे ख्याल में, 95 में फैसला दे दिया
कि हिंदू कोई भी धर्म नहीं है, तो एक जीना का तरीका है, धर्म नहीं है, जीने का तरीका। देखिए चिट्ठी ना छोटी छोटी घूम रही है हमारे पैरों, उनका भी तरीका है, हम तो इंसान है। तो मोदी जो किया है, हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, अभी देश का बेड़ा गर्क करेंगे, आपके सामने आएगा देखना। लेकिन प्रचार, ये मदारी लोग हैं, ये प्रचार इतना करते हैं कि आम आदमी समझेगा नहीं, वो समझेगा अच्छे दिन आएंगे, अभी बैठे हैं इंतजार में हम लोग, अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे वो? पूरा पंजाब या सर्दी में बरसात में यहां पड़े आए, अच्छे दिन है क्या? उसकी इज्जत खराब हो जाएगी? प्राइम मिनिस्टर को इज्जत खराब है इसमें? खुद बोला है कि कानून ऑप्शनल है, और ये सब्जेक्ट भी स्टेट का है, बताओ काय के लिए उसने इसमें वो जबरदस्ती कर रहे हैं, और उसकी बगैर कोई चलती नहीं किसी की। ये है, इसको बोलते हैं मूक डिक्टेटरशिप, तानाशाही है ये। तो इस तानाशाही से हमने लड़ना है, और हम इस तानाशाही से लड़ सकते हैं जब एक रहेंगे हम। बीच में प्रचार होता है बार बार तोड़ने का, हमने किसान आंदोलन को तोड़ने का बहुत प्रचार हो रहा है, आपने देखा होगा, उसको समझना है। मैं एक बात और करना चाहूंगा जो दिल में लगी है, मैं सातवीं कक्षा से बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग कर रहा हूं, हुक्का पिया, सिगरेट, बीड़ी, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ी मन देश में, क्यों? सब स्टेट में रहे। मैं उस दिन यहां गया था टिकरी बॉर्डर, तो सिख, हमारे सिख भाई, वो हुक्का पी रहे थे उधर, मुझे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि 61 साल मैंने पिया, इसको छोड़ने के लिए मैंने क्या नहीं किया। जब मेरे को ये लगी क्या लकवा वाली बात, और मदानता में एडमिट है, जब मेरा जो है स्मोकिंग छूटा, नहीं छूटता नहीं था, क्यों? एडिक्शन हो गया था। मैं पंजाब में रहा हूं, हालांकि उस टाइम मैंने देखा है चोरी छिपे पीते थे कुछ लोग, बड़ी दोस्ती थी मेरी, आज भी दोस्ती है वहां, मलेकोला, तरन तारण में भी रहा हूं मैं 7-8 महीना, बड़ी दोस्ती है लोग वहां, लेकिन पीते थे उस टाइम, मैं आपको बताऊं छपके। तो मैं बोलता था भाई तुम छोड़ोगे नहीं, यार दोस्त थे वो, मुझे तुम पीना छोड़ दो नहीं तो मैं सरदार बनूंगा, जत्थेदार दबारी छोड़वाऊंगा एक दिन, और मैं सरदार बनने जा रहा हूं, सिख बनने जा रहा हूं। सिख का मतलब है डिसाइपल ऑफ गॉड। 21 अप्रैल को मैं सिख धर्म अपनाऊंगा परिवार के साथ। उस दिन धन्ना भगत का जन्मदिन है, और धन्ना भगत के दर्जनों दोहे ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर हैं। 21 अप्रैल को हम धर्म अपनाएंगे, और सहजधारी भी सिख हैं, केसधारी भी हैं, मैं बनूंगा अमृतधारी। सोलिया वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हवा सिंह सागवान, सागवान खा पंचायत। तो देखो सिखा तो किन्ने प्रभावित हुए, और कह रहे कि पूरे परिवार समेत अमृत पान किया जाएगा सिख बन के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाल दी नाल एक बेनती करनी चाहना, जदों कोई बुलारा बोलता सी उन्हूं रोक नहीं सकते, बेनती करते हैं कि समय की मर्यादा दे विच रह के अपने विचार देन। एक दो बेनतियां, एक अनाउंसमेंट है जी, गगनदीप सिंह जलंधर जिले का मोबाइल फोन गुम हो गया है, नंबर लगा के पता लगा, ये कोई बहादुर गड्डी वाला है, जे हो सके तो यह जरा मोबाइल है स्टेज पर पहुँचा दिता जाए। संयुक्त किसान मोर्चे नू साडे वीरां ने सहायता दिती आ, साडी भैण मनजीत कौर सुखमनी साहब सोसाइटी अकरपुरा बटाला गुरदासपुर बीबिया वालों सेवा की 11,000 रुपए की। संयुक्त किसान मोर्चा वालों बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार अवतार सिंह कपूरथला पिंड भगतपुर 1100 रुपए की इस किसानी संघर्ष वास्ते सेवा करके गए आ, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुप्तदान आया पिंड भगत